अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है पेशावरी नमकीन गोश्त। तो चलें देखते हैं पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। मटन हमने लिया है 1/2 kg। इसी के साथ हमने ली हैं 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई। 3 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है मैंने। साथ ही मैंने 3 से 4 अदद टमाटर लिए हैं, जिनका मैंने छिलका उतार के इन्हें काट लिया था। 1/2 टेबल स्पून मैंने ली है काली मिर्च जो कि कुटी हुई है। सॉल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। इसी के साथ हम ऑयल लेंगे 1/3 कप, और पानी चाहिए होगा हमें गोश्त गलाने के लिए। सबसे पहले हम प्रेशर के अंदर ऑयल को ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसके अंदर मटन ऐड कर देंगे और उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। मटन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, साथ ही सॉल्ट ऐड कर देंगे, टमाटर डाल देंगे और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर हम बचा लेंगे और फिर इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, और मुझे क्योंकि खाने में बहुत जल्दी थी तो मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था 10 मिनट्स के लिए। प्रेशर के बगैर आप इसको 45 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे भी पका सकते हैं। 10 मिनट प्रेशर देने के बाद मैंने इसे खोल लिया था और इसमें थोड़ा सा पानी था तो मैंने उसे खुश कर लिया था अच्छे से। पेशावरी नमकीन गोश्त रेडी हो चुका है। एंड पे आपने इसके अंदर थोड़ा सा बटर डाल देना है और बची हुई काली मिर्चें डाल देनी है। तो पेशावी नमकीन गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही मज़े का बना था और बहुत ही आसान रेसिपी थी, इसीलिए मैंने सोचा मैं रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। प्लीज़ 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 मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। उसका जो आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहने वाले लोग गिव अवे में ज़रूर हिस्सा लें ताकि आप विन कर सकें। गिव अवे की सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम और या फेसबुक पेज लाइव विद नाइमा फाहद पे मिल जाएंगी। तो चलें इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए मज़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।